जो व्यर्थ घूम रहे हैं, जनता इन्हें स्वीकारने वाली नहीं है। लेकिन मैं यहां आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, ये दिल्ली के अंदर जो ममता बनर्जी, केसीआर, खड़गे साहेब, ये राहुल जी, नीतीश कुमार की जो बैठकें हो रही हैं, ये सो कॉल्ड जो गठबंधन बन रहा है, तेलंगाना में कांग्रेस किसके लिए काम कर रही है? तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपके नेता तो वहां केसीआर से हाथ मिला रहे हैं, आप यहां केसीआर के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं। पिछले दो चुनाव कांग्रेस ने तेलंगाना की जनता को धोखा दिया। 2014 में भी लोग जीत के तो कांग्रेस के निशान पर आए, लेकिन काम केसीआर के लिए किया। 19 में भी जीत के तो कांग्रेस की सीट से आए, लेकिन काम केसीआर के लिए किया। आप फिर खुलेआम खेल खेला जा रहा है। रेवंत रेड्डी जी, ये यात्रा किसके खिलाफ निकाल रहे हो? आप तो पहले ही टीआरएस उब्लीक बीआरएस की भी टीम हो। मैं तो पूछना चाहता हूं रेवंत जी, खड़गे जी का और केसीआर का समझौता हो रहा है, तेरा क्या होगा रेवंत रेड्डी? तेरा क्या होगा रेवंत रेड्डी? जनता जानना चाहती है। लोग कांग्रेस छोड़कर, बीआरएस छोड़कर, कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नीति है, नेता है, सोच है, देश को आगे बढ़ाने की, तेलंगाना को आगे बढ़ाने की हमारे पास विजन है, विजन है। हमने 9 वर्षों में किया है वो बताने को है। और मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, केसीआर साहब 9 साल का हिसाब लेके आइए, तेलंगाना के किसी कोने में आइए, आपके मीडिया वालों से मैं निवेदन करता हूं, आप प्रेस का अखाड़ा सजाइए, आप कैमरे लगाइए। हमारी पार्टी की ओर से संजय बंडी जी केंद्र सरकार के 9 साल का हिसाब लेके आएंगे, केसीआर साहब भी अपने वादों का हिसाब लेकर आए, जनता को तय करने दे क्या हुआ। लेकिन आज लगभग 20 दिन बीत गए, भारतीय जनता पार्टी के चैलेंज का केसीआर साहब की ओर से जवाब नहीं आया, जो बताता है कि सच क्या है। जनता भाजपा के साथ जा रही है, जनता समझ चुकी है कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार तेलंगाना में भी लानी है और दिल्ली में भी लानी है। और ये समझौता होने के बाद कांग्रेस कहां लड़ेगी और टीआरएस उब्लीक बीआरएस कहां लड़ेगी? ये बंदर बांट कैसे होगी? और तेरा क्या होगा रेवंत रेड्डी? ये समय बताएगा। रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं बीआरएस कांग्रेस विरोधी है, कांग्रेस बीआरएस दोस्ते है, तो मैं कांग्रेस छोड़ जाता हूँ, पीसीसी पोस्ट भी छोड़ जाता हूँ। तो जल्दी वक्त आने वाला है, जल्दी वक्त आने वाला है, पर वो ये बताएं तो सही, जो बैठ के वहां हो रही हैं, उनके मालिक जो केसीआर को मजबूत करना चाहते हैं, उनके मालिक जो केसीआर को मजबूत करना चाहते हैं, उन्होंने उनसे पूछा भी है कि किस भाव में कांग्रेस, किस भाव में?